दोस्तों ब्रिटेन में हर साल 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि उन्हें हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता की तरह देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन में वो एक ऊंचे कद के नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में उपनिवेशवाद इतिहास के उसके शासनकाल में एक काला अध्याय भी जुड़ा है जिसका सीधा संबंध भारत से है। दोस्तों अगर ब्रिटेन में वो नायक है तो भारत में खलनायक का घिनौना रूप है, क्योंकि भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 को बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि साल 1943 में आया बंगाल का अकाल दुनिया का सबसे बड़ा और भयंकर अकाल के रूप में जाना जाता है। यह भयंकर अकाल को महान बंगाल अकाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अकाल तो एक प्राकृतिक घटना है, मगर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बंगाल का अकाल प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी गलती की वजह से आया था और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने बंगाल के लोगों को अकाल से बचाने के लिए कुछ नहीं किया और मरने के लिए छोड़ दिया। यह अकाल बंगाल का इतना भयंकर अकाल था कि इसमें कितनी मौतें हुई इसका सटीक अंदाजा किसी के पास नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहासकारों के अनुसार इस अकाल में 15 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि इस सरकार में 30 से 50 लाख लोग मरे थे। इस अकाल में बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के गांव में ऐसा भयंकर मंजर आया था कि जिसमें खाने पीने की बेहद कमी हो गई थी। कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहरों की तरफ लोग जाने लगे। दोस्तों ग्रामीण लोग जब शहर पहुंचे तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनके पास रहने के लिए ना ही जगह थी, ना ही खाने पीने के लिए कुछ था। वो कचरे के ढेर के पास रहते थे, खाने पीने के लिए कुत्ते बिल्ली के मुंह से खाना छीनकर खाते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि रोटी के टुकड़े के लिए लोग आपस में लड़ बैठते थे। लोग पेड़ की पत्ती और घास खाकर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लोगों का कोलकाता और ढाका की सड़कों पर लाशों का अंबार लग गया था। लोग भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे। महिलाओं ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते थे। बहुत से लोगों ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों दुख की बात यह है कि लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि केवल हड्डियों के कंकाल पर चमड़ी चढ़ा दी गई है। वह इतने कमजोर हो गए थे कि अपने मरे हुए परिजनों के लाश को उठाने में असमर्थ थे। इन सब बातों से एक प्रोफेसर का नाम आता है जिनका नाम हुआ रफीकुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लेखक और वैज्ञानिक शिक्षाविद है। उन्होंने किसी कार्यक्रम में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राहत कर्मियों के छोटे से दल के साथ सेवा कार्य करने हल्दिया नदी के पास मौजूद एक बाजार में पहुंचा। वहां मैंने देखा 500 से भी ज्यादा जिंदा निवस्त्र कंकाल देखे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल थे। उनमें से कुछ आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे, कुछ कोने में पड़े थे और कुछ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ में सांसें भर लेने की ताकत भी नहीं थी। इसे देखकर रफीकुल बहुत ही अंदर से हिल गए थे। दोस्तों जरा सोचिए, आखिर इतने भयंकर अकाल आने का पीछे कारण क्या था? तो कारण था सिर्फ अंग्रेजों की गलत नीति। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध और अंग्रेजों की नई भर्तियों के प्रति निर्दय पूर्ण व्यवहार। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी, मगर गुप्त रूप से भारत में भी बहुत कुछ खोया। यह बात जो मैं आपको बताऊंगा किसी किताब में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये युद्ध हम लोगों को अपनों से हमेशा के लिए सब कुछ छीन लिया। याद रखने की जरूरत है, ना कि भूलने की। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1938 में हुई थी, जब जापान ने चीन पर हमला किया। इसके 2 साल बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में जुड़ गया, जिसकी वजह से भारत से कई सैनिक ब्रिटेन भेजे गए ताकि युद्ध लड़ सके। युद्ध के बीच बंगाल में 16 अक्टूबर 1942 के दिन एक भयंकर तूफान आया जिसकी रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान की वजह से 11,000 लोग मौत की नींद सो गए और लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सैनिकों के लिए बंगाल से अनाज खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया। वे ये बात जानते थे कि इतना भयंकर तूफान आने के बाद बंगाल में अनाज की कमी हो जाएगी और अकाल और भुखमरी जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने बंगाल की अनाज निर्यात करना जारी रखा, जिसका परिणाम बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ा। फिर 1943 के मई जून आते आते बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भयंकर अकाल आ गई। लोग भूख से मरने लगे। बंगाल के कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल को टेलीग्राम भेजा और बंगाल के संकट के बारे में बताया। इंग्लैंड में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बंगाल के अकाल के विषय में चर्चा की गई। यह अपील की गई कि अनाज से भरे कंटेनर वहां भेजे जाएं, मगर विंस्टन चर्चिल ने इसे नकार दिया और किसी भी तरह की सहायता करने से साफ मना कर दिया और कहा बंगाल के अकाल के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय नफरत के ही लायक है। वे लोग जानवर हैं और जानवर जैसे धर्म को मानते हैं। जानवरों की तरह बच्चा पैदा करने के कारण ही उनकी यह स्थिति आई है। तो इस तरह विंस्टन चर्चिल भारत के किसी भी तरह से सहायता करने से मना कर दिया। अब बंगाल के लोग केवल मरने के लिए ही जिंदा थे। दोस्तों इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डिगोन पोलिया का मानना है कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित होलोकास्ट था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी।
इस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और इसी तरह बंगाल में अनाज की कमी हुई। वही जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी यही मानना है कि 1942 के तूफान के बाद 1943 में अनाज का उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में उत्पादन पहले से ज्यादा अच्छी थी। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता है, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होने के बाद अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जानकारों का कहना है कि चर्चिल अगर चाहते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। वही बर्मा पर जापान के आक्रमण को भी इसकी वजह माना जाता है। कहा जाता है कि जापान के हमले के चलते बर्मा से भारत में चावल की सप्लाई बंद हो गई थी। दोस्तों, एक और स्टडी से पता चलता है कि 1942 के तूफान के बाद 1943 में बारिश अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से बंगाल में अकाल आया था और अंग्रेजों ने इस अकाल को अकाल घोषित करने से मना भी किया था। उसके बाद दोस्तों बंगाल के अकाल की शुरुआत 1943 की मई जून से हुई थी और 1944 के जनवरी फरवरी तक रही। उसके बाद जब चावल की नई फसल आई तब लोगों ने उसे खाया और अपने पेट की आग बुझाई। तो दोस्तों, इस बंगाल के अकाल के बारे में आप लोगों को जानकारी पहले से थी तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।